What's up nerds, मेरा नाम है सुशांत सक्सेना। मैं हूँ आचल। और ये है So guys, Fandom Talks में आज हम react करेंगे कश्मीर बीट्स पर and it's a new show I guess. Yes, it is a new show. Yeah. और and we are going for season 1 तेरी फोटो। Yes. So अभी तक हम लोग को पता नहीं है क्या इस शो का फॉर्मेट है और क्योंकि इतने सारे तरह तरह के फॉर्मेट वाले शोज पाकिस्तान में बन रहे हैं म्यूजिक को लेके व्हिच इज रियली फन क्या कहते हैं पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स और नेस्कैफे बेसमेंट मेरा फेवरेट है दोनों में से ठीक है एक सबसे अलग जो है इन सब में से अलग जो है ठीक है वो फेवरेट तो नहीं है लेकिन यस हमेशा खास रहेगा दैट इज स्ट्रक्चरल स्टीरियो ठीक है रियली टैलेंटेड पीपल ओवर देयर जो अकेपेला वो सॉन्ग्स बना रहे हैं वहां पर सो दैट इज आल्सो वेरी वेरी ऑसम यस इट इज और बाकी कोक स्टूडियो तो है ही जिसने सब स्टार्ट किया था आई थिंक इट वाज स्टार्टेड विद कोक स्टूडियो आई गेस सो सबसे पुराना शो वही है सो जो जिसने सारा ये बार जो है सेट करा है और ये जो ट्रेंड है उसी की वजह से है सो यस आई थिंक अब हम देख रहे हैं कश्मीर बीट्स पे लेट्स सी क्या इसका फॉर्मेट है अभी हम लोगों ने हाल ही में एक और नए शो पर रिएक्ट किया था That was Biscony music. Yes, अगर आपको वो reaction देखने थे, you can also find some there here or here, Wakanda forever. So, what? Okay. So, अरे मैं confused हो गया था यार, sorry. Moving on. Yeah. So moving on. I think without wasting any more time, सबसे पहले हम लोग react करते हैं. Yeah. तेरी photo पर. So guys. Here we go. Kashmir Beats, Singing with the Stars, Season 1. Oye ho jata hai kasoor usko samaj tu bhool nahi ho chhad ke main jaawa hun vaisa O teri photo ओ तेरी फोटो रखी मैं सीने लाके ओ तेरी फोटो रखी मैं सीने लाके दिल नेड़े नेड़े कोल नेड़े नेड़े कोल वे ओ बंदिये हो जांदा है कोई कसूर वे ओए उनु समझ ले मेरी कोई भूल तेरी फोटो रखी मैं तेरे वादियां दा मैनू एतबार नहीं बनिया तेरियां हुन बस हर वार नहीं जाना है तू छटके अखियां मेरी भर के तेनू अपना बनाया सी मैं लड़ लड़के ओ अखा मेरिया ना कभी पहचानिया और उसा मेरी कभी कदर न जानिया आजा मेरे को आजा मेरे को रे तेरी फोटो रखी मैं तेरे बिन कीता है गुजारावे कदी आके पूछ लेंदी मेरा तू हाल वे तेरे बिन कीता है किवे मैं गुजारावे कदी आके पूछ लेंदी मेरा तू हाल वे तेरा नंबर मिलाया कई बार वे तेरा नंबर मिलाया कई बार कितिया कईया कॉल कीती कईया कॉल वे मेरा फोन चुके आना एक बार वे ओ तेरे मैसेज दा सी मैनू इंतजार वे मैनू इंतजार मैनू इंतजार रे तेरी फोटो रखी मैं जो तूने है वो
आ जाता तो होता बदनाम नहीं। ले जा मुझे वहां बढ़ के अपना मुझे तू मन के जा तुझे अपना बनाया दिल पे हाथ रख के। ओ दिल पे होवेगी अब तेरी सरकार वे तू मणिए मेरी तो देखी इस बार वे। देखी अपने टोर देखी अपने टोर वे तेरी फोटो रखी मैं It's yeah. over already. No shot. So that was cute. That's such cute romantic vibes. That was like a Bollywood song, but not quite Bollywood. You know what I mean? अभी recently हम लोगों ने एक और ऐसे ही गाने पे react किया था Biscony music के. That was बंदगी. जिसमें मैंने बोला था कि यार जब ऐसे ये जो कन्वर्सेशन वाली डुएट्स होते हैं बड़े मजेदार होते हैं। Yeah, they're cute. They are always cute and they are always lovely. आपको हमेशा बहुत मजा आता देखने में। Yeah, fun. ऐसे ही हम लोगों ने देखा था कोक स्टूडियो का रमपम। ना बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस ही है। Yes. बहुत मजा आया मेरे को देखे। It was fun from start to end. और yes. जो हमारी फीमेल सिंगर थी क्या कहते वो तो एकदम डिज्नी प्रिंसेस की तरह खड़ी थी ड्रेस एंड ऑल। इट वॉज सो गुड टू लुक एट। और हालांकि मेरे को लौंडे को देख के अपने दोस्त की याद आ रही थी गुरविंदर यूज टू लुक लाइक दैट। When did Gurvinder look like that? Before he got 8-pack zap. He's a model by the way. Okay, I mean... Right. So, जब वो नया नया बॉम्बे आया था और वो मिड ट्रांसफॉर्मेशन था उस समय वो ऐसा लगा करता था तो मेरे को और भी अच्छा लगा देख के वो मेरे जैसे दोस्त जैसे दिख रहा था। So, yes. एक चीज मैं कहना चाहूंगा आई थिंक अभी तक का ये दो तीन चीजें मैंने नोटिस करी है आई थिंक Biscony म्यूजिक और कश्मीरी बीट्स अगर इनकी आप ब्रांडिंग हटा दो तो इनके ये जो परफॉर्मेंसेस है ये इजीली कोक स्टूडियो के फॉर्मेट में फिट हो सकते हैं। आई थिंक इन लोगों ने कुछ अलग वो करने की कोशिश नहीं करी है। दे आर डायरेक्टली कॉम्पिटिटिंग विद कोक स्टूडियो यस एंड आई थिंक कश्मीरी बीट्स है तो दिस इज द लोकल ब्रांड और कश्मीर बीट्स बट यस सॉरी कश्मीर बीट्स और क्योंकि कोक स्टूडियो एक इंटरनेशनल ब्रांड है और ये इसका राइवल लोकल ब्रांड है। मैं हमेशा कहता हूँ लोकल ब्रांड्स को पहले सपोर्ट करो ठीक क्योंकि वो आपके देश के अपने हैं। हमेशा मैं ये चीज प्रेफर करता हूँ क्या कहते हैं ये जो बिग कैपिटलिस्ट अमेरिका से आए हैं इधर उधर पूरी दुनिया में बिजनेस को खराब करने और कब्जा करने करना पड़ता है कई बार लेकिन यस अगर आपके पास ऑप्शन होता है तो हमेशा लोकल्स को भी उतना ही सपोर्ट करें। अगर आप ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो उतना ही लोकल शोज को भी सपोर्ट करें जितना आप बाहर के शोज को करते हैं। सो सिर्फ शोज की बातें ब्रांड्स और हर एक चीज की बात है इसमें जैसे मेरे को लगता है अमेज़न को लेके आजकल अमेज़न बहुत ज्यादा हावी हो रहा है हर जगह वोकल फॉर लोकल ठीक है यस सो वी नीड टू गो अ लिटिल वोकल फॉर लोकल एवरीवेयर। मैं देख रहा था यूएस में कि अमेज़न आपको 15 मिनट का भी ब्रेक नहीं लेने देता अपने एम्प्लॉइज को ठीक है अभी बीच में न्यूज में आ रहा था खाना नहीं खाने देता यहाँ तक कि टॉयलेट भी वाला वहीं पर जिस बोतल में पानी पीता उसी में कर रहे थे क्योंकि ब्रेक्स अलाउड नहीं है। दैट्स सो सैड ठीक है दैट इज सैड ऐसा कैसे जेफ बेज़ोस भयंकर बिजनेस बना रहे हैं अपना पूरी दुनिया में। That's basically like ऐसे में आपको कोई भी कंपनी जब इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है That's basically like slavery, man. तो उसकी मोनोपोली कभी नहीं होनी चाहिए खासकर फॉरेन ब्रांड्स की। तो ऐसे में मैं हमेशा कहूँगा आप लोग भी लोकल ब्रांड्स को ज़्यादा सपोर्ट करें और दिस वॉज अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस आप लोग बताएं आपको कैसा लगा yeah. मेरे को बहुत मजा आया आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी मेरा तो मन करता है यार इस गाने के ऊपर कुछ ना कुछ हम लोग म्यूजिक वीडियो बना दें या अपनी जो वेब सीरीज में सोच रहा था बनाने की जो हम लोगों ने बनाई भी थी अधूरी फिर बीच में रुक गई यू नो व्हाट हैपेंड विद दैट So, उसके उसके ऊपर भी इतना अच्छा जाता जो कन्वर्सेशन थी वो इतनी स्वीट और इनोसेंट कन्वर्सेशन थी बिटवीन टू लवर्स कि आपको बहुत ज्यादा मजा आता है जब आप वो देखते हो आप एंजॉय करते हो। तो आप लोग बताओ आपको कैसा लगा मैंने तो बहुत ज्यादा एंजॉय करा इस शो को देख के ये परफॉर्मेंस देख के आई थिंक आई एम गोइंग टू चेक आउट मोर ऑफ कश्मीर बीट्स एंड आप लोग बताओ इसमें से कौन सा गाना हम लोग को नेक्स्ट रिएक्ट करना चाहिए कश्मीर बीट्स के एंड डू टेल अस योर रिएक्शन बाय द वे And till then, you know what to do. Right.
subscribe to our channel, like us on Facebook, follow us on Twitter and Instagram. And of course, regular updates ke liye, ghanta bajaye.